जी बेटा, टुडे वी हैव टू एक्सरसाइज। हमने 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, बट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो स्टार्ट करेंगे उसी क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा। अब क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। उसने कब बोला, एक क्यूबाइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब मेरे पास एक ऐसे क्यूबाइडल बॉक्स है, लेट अस ड्रॉ दिस, ये लीजिए। ओके, अब इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर ऐसे, ठीक है, रखा है। अब उसने सबसे पहले पूछा है कि इसका ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना होगा। ऑब्वियस है, जितनी इसकी साइड होगी उतना ही इसका ग्रेटेस्ट डायामीटर होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि साइड जो है ऑफ मेरे पास क्यूबिकल बॉक्स जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर मेरे पास जो है ग्रेटेस्ट जो है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, साइड से ज्यादा तो नहीं ना हो सकता है मेरे पास, तो ग्रेटेस्ट डायामीटर जो है मेरे पास वो किसके इक्वल है, 7 जो है सेंटीमीटर के इक्वल। अब हमें इसका मतलब हेमिस्फीयर का डायामीटर मिल गया। पहला काम तो मेरे पास जो है दैट मीन्स 2r इज 7, तो r की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर होगा। ओके बेटा जी, अब नेक्स्ट व्हाट इज रिटन हियर। ओके, नेक्स्ट उन्होंने कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से इमेजिन करना है, मैं आपको एक चीज इमेजिन करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास मान लीजिए क्यूबाइडल बॉक्स है। ओके, मैं चॉक्स निकाल देती हूँ आपको क्लियर कर। मान लीजिए ये क्यूबाइडल मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। अब मैंने इस पे एक ना हेमिस्फीयर, मेरे पास ये स्पीकर टाइप कोई चीज है, हमें से फिर इमेजिन कीजिए कि ये मेरे पास जो है, वेट मैं थोड़ी वायर खींचती हूँ, ये लीजिए, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा सबको, ये लीजिए, ठीक है। मैंने इसके ऊपर रखी। अब ये जो सॉलिड बना ना मेरे पास, आप इसको हमें से फिर इमेजिन करना फिगर को, तो अब जो ये सॉलिड बना मैंने इसका सरफेस एरिया लेना है। अब इस सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया मतलब टोटल, अब आप खुद इमेजिन कीजिए, यानी ये फोर वॉल्स आएंगी आएंगी, एक बेस आएगा ही आएगा, ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड भी आएगा। सिर्फ मिस कौन सा हुआ, जो हेमिस्फीयर का बेस है सर्कल, वो किसके साथ मर्ज कर गया, टॉप के साथ, वो सिर्फ माइनस होना है, बाकी सब कुछ क्या होना है, ऐड ही होना है। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पर फिर कैसे फॉर्मूला कैसे बनाऊंगी, खुद सोचिए। जो है आप लिखोगे रिक्वायर्ड मेरे पास जो है सरफेस एरिया। बहुत सारे बच्चे अलग अलग मेथड से फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आंसर सेम ही आता है। ओके, आप ऐसे भी लगा सकते हो, एरिया फोर वॉल्स प्लस बेस, ओके, प्लस अब आप क्या करोगे, सामने वाली साइड में से, मतलब टॉप मोस्ट साइड में से आप एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि जब हेमिस्फीयर ऊपर आया तो सर्कल वाला मर्ज कर गया ना, ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर के क्या कर गया, मर्ज कर गया, तो वो नहीं आएगा ना एरिया में, तो वो माइनस होना है ना, तो वो माइनस कर दो और हेमिस्फीयर का कर्व ऐड कर दो। एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, हम सीधा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, हमने सारा कुछ ले लिया, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया, सर्कल का एरिया माइनस किया और प्लस कर्व्ड ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr² ऐड कर दे। बस ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को कैसे समझ के आप कैसे लिखते, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मेरे पास क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 6
साइड स्क्वायर, ठीक है, और ये टू टाइम्स पाई आर स्क्वायर है, ये वन टाइम पाई आर स्क्वायर है, तो माइनस हो गए सिंपल पाई आर। जितना सिंपलीफाई पहले कर सकते हो करो। अब वैल्यूज पुट करो, सिक्स और साइड की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, सेवन का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू स्टेटमेंट में मुझे कुछ भी नहीं दी है, ओके कुछ भी नहीं दी है, तो ऑब्वियस है कि मैं 22 बाय 7 और आर मेरे पास 7 बाय 2 का स्केयर, 7 बाय 2 का स्केयर। अभी सारे को सॉल्व कर लो, सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। आंसर आएगा मेरे पास 332.5 सेंटीमीटर स्केयर। सॉल्व कर लो सारा जल्दी, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे आंसर पता है। बात समझ आई सबको बेटा? क्लियर टू एवरीवन? फॉर्मूला बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, बस समझना और कुछ नहीं है इनमें। वैल्यूज तो आपको सबको दी होगी, ओके सही हम, ठीक है जी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वो भी ऐसा ही है बट उसमें डिफरेंस पता क्या क्वेश्चन में? आप इमेजिन कीजिए ये आइसक्रीम ब्रिक है, इसमें से आइसक्रीम स्कूप आउट करनी है, वो जो कोन स्कूप करते हैं ना हेमिस्फीयर की फॉर्म में, वो निकालनी है। तो अब आइसक्रीम ब्रिक के अंदर एक पिट हो जाएगा, गड्ढा। अब वो गड्ढा हो गया ना, मतलब मेरे पास जो है जस्ट इमेजिन कि ये एक बॉक्स है, मैं पहले आपको बताती हूँ, ये लीजिए ठीक है, ब्रिक टाइप है। अब इसके अंदर से मैंने गड्ढा निकाला, अंदर से वो निकाल लिया, अब उसका सरफेस एरिया निकालना। तो इमेजिन करो ना कि कैसा हो रहा है आपका और क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है। उन्होंने कहा अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to H of the cube। मतलब एक cuboid में से, cube में से sorry, हमने एक hemisphere pit निकाली है ना, depression निकाला, depression मतलब बीच में से curved out कर दिया, ठीक है। और उसने बोला कि इतना निकाला कि जितनी उसकी edge है उतना ही उसका जो है hemisphere का diameter है, okay। और उन्होंने कहा कि डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब उसने कहा कि सरफेस एरिया निकालो रिमेनिंग सॉलिड का, तो क्या करेंगे बेटा? देखिए फिगर ये है ना मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओके। सबसे पहले तो जो गिवन है राइट डाउन दैट, मुझे दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो है ऐसे भी लिख सकते हैं डी एच, जो है दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, और मुझे दिया हुआ है एल, दैट इज मेंशन एल, तो दैट मींस टू आर इज इक्वल टू एल, तो आर किसके इक्वल हो गया, एल बाय टू। पिछली बार न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, यहाँ पर सिंपल एल में दे दिया, कोई बात नहीं, डजंट ठीक है बेटा जी। अब हमने क्या करना है, हमें कहा गया है कि इस फिगर का जो है आप क्या करो, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपको अब ये पता होना चाहिए क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना, सिंपल सी बात है। ये मेरे पास अगर एक क्यूब है, मैंने इसमें से बीच में से ऐसे निकाला, ऐसे ये स्कूप आउट कर दिया, दैट मींस क्या, पहले मेरे पास क्यूबाइड का तो टोटल आएगा ही आएगा ना, तो वो तो लिखे ना मेरे पास हो गए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये लिखना पहले सीखो, ठीक है। अब क्या माइनस करें, टॉप क्यूब की नहीं आएगी ना, वो माइनस हो जानी है ना, वो वहां से तो स्कूप आउट ही कर दिया, ऊपर वाली लेयर रहेगी नहीं रहेगी, तो आप क्या कर दो, तो माइनस मेरे पास हो गए एरिया जो है ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूब, ये हो गया। अच्छा कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, फोर वॉल्स प्लस बेस ऐड कर देते हैं, वो टॉप की बात ही नहीं करते, बात ही वो आप पे आप कैसे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे, ठीक है जी। अब
मैंने बीच में से स्कूप आउट किया। अब जो स्कूप आउट किया, जो स्कूप आउट किया तो वो किस फॉर्म में बन गया? ऐसे ये कर्व्ड में बन गया ना, हेमिस्फेरिकल में बना ना, तो दैट मीन्स वो भी तो आएगा। तो मेरे पास क्या आएगा यहां पर, इनर कर्व्ड सरफेस जो है एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और कुछ रह गया मेरे पास, कुछ रह गया बेटा? नहीं ना, ये आपको पता होना चाहिए क्या ऐड होना है क्या सब्ट्रैक्ट होना है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले सिक्स साइड स्केयर, अब एरिया ऑफ द टॉप जो मेरा माइनस हुआ वो माइनस कैसा हुआ मेरे पास, सबसे पहले वो माइनस एरिया कैसा हुआ ये आपको पता होना चाहिए। वो सर्कुलर माइनस हुआ ना, उसके किनारे पे तो आइसक्रीम लगी होगी ना, कॉर्नर पे लगी होगी कि नहीं, जब आप हेमिस्फेरिकल स्कूप आउट करते। तो बेसिकली बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं, यहां जो टॉप माइनस हुई वो सर्कुलर माइनस हुई, कॉर्नर पे इधर आइसक्रीम लगी, इधर लगी है, लगी है, लगी ना। तो अब एरिया मेरे पास जो ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूब आप लिख सकते हो सर्कल, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो पाई आर मेरे पास इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होता है, 2πr2। अब ये देखो पिछले जैसा क्वेश्चन ही है बट डिफरेंस हो गया मेरे पास, क्या डिफरेंस हुआ, उसमें ऊपर लगाया था इसमें नीचे लगा, ओके। अब वैल्यू सारी है ना मेरे पास, सिक्स साइड, साइड कितनी थी एल स्केयर प्लस पाई 22/7 और आर स्केयर, आर की वैल्यू एल बाई टू है तो पुट करो एल बाई टू का स्केयर, सॉल्व इट, क्योंकि ये सरफेस एरिया है, आंसर शुड बी इन यूनिट्स स्केयर, ये स्केयर यूनिट कुछ भी लिख सकते हो, कैलकुलेट कीजिए यू विल गेट योर आंसर। अच्छा कई बच्चे पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करते, पाई को पाई रहने देते, कोई बात, ये कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो हमें टेंशन होती है कि हमने कैसा करना है और क्या करना है। सबको बात समझ आई बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमने दो तरह के क्वेश्चन की, एक अंदर से डिप्रेशन निकाला और एक जिसके ऊपर हमने एक हमें से पेयर रखा, ठीक है, क्लियर। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटा। अब सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मुझे, अगर आप इस चैप्टर में एक्टिव नहीं ना रहोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, चैप्टर खत्म हो जाना, आपने कहना मैम ये क्या हो गया, साथ साथ उसको अच्छी तरह अपने माइंड में रखिए, ओके। तो मेरे पास क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ ए सिलेंडर, मेरे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है ऐसे, लीजिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एंड विद टू हेमिस्फीयर स्टक्ड टू ईच ऑफ इट्स एंड, मेरे पास जो है दो ऐसे हेमिस्फीयर यहां पर स्टक किए गए हैं, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, इंटायर मतलब विद हेमिस्फीयर, ये मुझे दिए हुए हैं 14 mm एंड डायामीटर ऑफ द कैप्सूल ये मुझे दिया हुआ है 5 mm। मैं बार बार कहती हूँ फिगर में यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। अब उसने कहा फाइंड इट्स सरफेस एरिया, बहुत इजी है। आप देखो सिलेंडर का मेरे पास, अब यही एक सिलेंडर है, अगर इधर मैं कुछ स्टक कर दूं, इसका ये बेस और उसका बेस, मान लीजिए कि मैंने छोटी सी क्ले काट के यहाँ बॉल लगा दी, हाफ बॉल, इसका बेस और उसका बेस मर्ज कर जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा, इसको नहीं लेना बेटा, ये नहीं सोचना सरफेस एरिया बोला है तो मैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर कर दूं, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका बेस और उसका बेस मर्ज कर जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह जाना है यहाँ पर, लेट अस, ठीक है, पहले तो फॉर्मूला, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, सरफेस एरिया जो है रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, आप लिखोगे
सिलेंडर का कर्व्ड आएगा ना, क्योंकि सिलेंडर का ना इधर वाला पार्ट आना है ना इधर वाला आना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस मेरे पास दो हेमिस्फीयर के कर्व्ड, क्योंकि उसका भी बेस और बेस तो मर्ज ही कर गया बेटा, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर 2 into जो है एरिया सरफेस, यहां पर 2 into कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। अब देखते हैं, सबसे पहले आप हमेशा ऐसे ऊपर दो लाइंस लगा लीजिए, यहां पर लिखिए सिलेंडर का क्या दिया है, यहां पर लिखिए हेमिस्फीयर का क्या दिया है, ओके। सिलेंडर बड़ा है, हम इसकी हर चीज को कैपिटल से लिखेंगे, आर और एच ही होता है। हेमिस्फीयर स्मॉल है, हम स्मॉल से लिख देते हैं। कई बार हेमिस्फीयर सिलेंडर का सब कुछ सेम है, मतलब रेडियस सेम है, तो आप सेम से मार भी लिख सकते हो, बट बेटर टू प्रेफर प्रेफर टू यूज डिफरेंट, ठीक है। तो मेरे पास जो है कैपिटल आर, सबसे पहले सिलेंडर का आर 5/2, तो मेरे पास 5/2 जो है mm हाइट। अब देखिए पूरी 14 है, इसमें से ये भी 5/2 चली गई, ये भी 5/2, क्योंकि ये रेडियस है ना हेमिस्फीयर का, तो दैट मींस मेरे पास 5/2 कितनी माइनस हुई, 5 ही माइनस हुई ना। तो आप यहां मेंशन करोगे 14 - 5 दैट इज 9 mm, आप लिखोगे ऐसे, और यहां आर आपको पता है ये 5/2 mm, ठीक है। अब मेरे पास जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया वो यहां पर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे पास जो है 2πr, r कैपिटल लिया और h, प्लस 2 into कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मेरे पास क्या होता है 2πr². अब वैल्यूज पुट करो, 2 into 22/7, ठीक है, और r की वैल्यू मेरे पास जो है वो कितनी दी हुई है, दैट इज यहाँ पर 5/2, और h की वैल्यू मेरे पास 9, 2 into 2, 22/7, और r की वैल्यू 5। अब कैलकुलेशन इजी करने का मेथड पता क्या है, जो कुछ कॉमन आ रहा है ना टेक इट कॉमन, तो उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। क्लियर कट मेरे पास 2, 22/7, π/2, 5/2 इज कॉमन, तो टेक इट कॉमन, बाद में कैलकुलेशंस करना। तो इधर क्या बचा 9, इधर क्या बचा 2 चला गया, ये चला गया, एक ये चला गया, 2 into 5π, देखना कैलकुलेशंस कितनी इजी हो जाए, ओके। ये इधर 14 बचा, 14 ये कट गया, और इधर क्या बचा फिर 44 और इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर बचेगा मेरे पास जो है बेटा दैट इज 220 centimeter, सीधे मिलीमीटर्स के, सॉरी क्योंकि mm में चल रहा, ओके जी। समझ आई बेटा सबको, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, एनी डाउट टू एनी वन। चले आगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आज, क्या बात हो गई, सिर्फ लक्ष्य ने बोला ओके मैम, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स दिया करो, मैंने यस मैम डन, समझ आ गई तभी मुझे पता चलेगा, ओके गुड। चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आप बताओगे बी एक्टिव कि व्हाट वी हैव टू टेक केयर, ठीक है, मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मेरे पास एक टेंट जो है कॉनिकल टॉप से वो कवर है, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मेरे पास जो है हाइट एंड डायामीटर ऑफ
सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहे हैं, पहले हाइट की बात की है, तो दैट मीन्स ये मेरे पास जो 2.1 मीटर और जो है डायामीटर 4 सेंटीमीटर। देखो मैंने सब कुछ यहीं पे लिख दी। ओके नाउ व्हाट इज रिटन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। उसने कहा कितना कैनवस लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, हमें वो चाहिए। आगे जो उसने कहा है वो बाद में देखते हैं, पहले एक पार्ट निकालते हैं कि कितना कैनवस लगेगा। कौन मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ कैनवस यूज होना है, क्लोथ यूज होना है इन ऑर्डर टू मेक मेरे पास जो है दिस टेंट। ओके तान्या, यस तान्या, यस तान्या बेटा। मैम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि सिर्फ कपड़ा जो क्लोथ है वो यहाँ पर लगना है और ऊपर लगना है, नीचे तो नहीं लगना और ना ही कोन के बेस में या सिलेंडर के टॉप में नहीं लगता ना कपड़ा। तो ऑब्वियस है जब नहीं लगेगा तो ऑब्वियस है बेटा फिर हम क्या करेंगे कि वहां पर यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया, जितना उसका एरिया होगा उतना ही हमें क्लोथ चाहिए, पहला स्टेप हमारा निकल आएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वायर्ड मेरे पास जो क्लोथ है दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो है कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मेरे को ये चाहिए। ओके अब मेरे पास ऑब्वियस है कि कोन का पाई आर एल, दोनों में आर सेम है, आर सेम लेना है सेम ले लो, डिफरेंट लेना है डिफरेंट ले लो। अभी हम रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि यहाँ क्या क्या, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास हो गए प्लस सिलेंडर का 2πr/h, ये मुझे दी। अब उन्होंने आगे क्या दिया, ठीक है, व्हाट दे आर गिविंग इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, पहले वो रीड करते हैं। उन्होंने कहा कि द स्लांट हाइट मेरे पास जो है वो टॉप की दी हुई थी दैट इज 2.8। ऑब्वियस है आपको ये कोन की दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये पूरा 4 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर वो ये दो पार्ट्स है ना, मैं हमेशा कहती हूँ इधर लिखो कोन, इधर लिखो सिलेंडर और इनके रिलेटेड सब जो इंफॉर्मेशन है वो लिख दो। मुझे सिलेंडर का क्या क्या चाहिए, आर चाहिए एच चाहिए, तो कैपिटल आर क्योंकि सिलेंडर का दिया है और कैपिटल एच मैंने हाइट ऑफ द सिलेंडर लिया है, तो वो 2 सेंटीमीटर आप लिखोगे 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, हाइट 2.1 सेंटीमीटर। आर और एल चाहिए, ऑब्वियस है आर 4/2 2 सेंटीमीटर और एल जो है वो 2.8 सेंटीमीटर, डायरेक्टली दी सारी वैल्यूज दी है, पुट गए। पाई को कॉमन लेना है कॉमन ले लो, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है, वैल्यू 22.7, आर टू एल जो है 2.8 प्लस जो है 2 × 22/7 और आर इज 2, एच इज 2.1। ओके क्लियर कट, मेरे पास जो है 22/7 × 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा, लेट अस सी 2.8 ये गया अंदर क्या बचा यहाँ 4.2। ओके 22/7 × 2 यहाँ पर ऐड कीजिए तो कितना बन जाएगा 7। ओके अब कटिंग हो रही है 1, आंसर इज 44 सेंटीमीटर्स। अलग अलग करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ती है। ओके बेटा क्लियर, ये स्थानिया, ये स्थानिया बेटा मैम 44 मीटर स्क्वायर है। ओके मीटर ले लीजिए जो भी यूनिट्स है ना, मेरे पास सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। यस मैंने यहाँ सब कुछ सेंटीमीटर में लिखा था तो इसीलिए मैंने वो सेंटीमीटर में लिख दिया, ऑब्वियस है टेंट मीटर्स में ही होगा। ओके चलो जी हमने चेंज कर दिया,
यूनिट्स जो लिए हमने वो ही लेने। अब नेक्स्ट पार्ट उसने क्या पूछा गया, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ ए टेंट एट ए रेट ऑफ रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस। वो तो हमें पता ही था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि कॉस्ट निकालना, ऑब्वियस है, 1 मीटर की कॉस्ट हमें दी है 500, हमें कितने की लेनी, 44 मीटर स्क्वायर की। तो एक स्टेप पर जाएगा हमारा, आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 500, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 500 को 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर कॉस्ट, और वो हमारा आ जाएगा 22,000 इज आवर आंसर। ओके बेटा, क्लियर जी, सबको बात समझ आ गई, चले आ गए। चलिए जी, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 7th हमारा टेंट वाला हो गया क्वेश्चन, नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। अब उसने क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो गए 8th में, इन द सेम एक्सरसाइज दे जस्ट मेंशन क्वेश्चन नंबर 8 में, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, मेरे पास जो गए 2.4 जो है सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर के इसकी हाइट दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, ओके, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, मेरे पास जो है डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, दिस इज द डायमीटर, ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर जो इज हॉलोड आउट, अब यहां से एक कोन ऐसे निकाल लिया गया, सारा का सारा कोन एक बीच में से निकाल लिया गया, तो उन्होंने बोला जो रिमेनिंग हमारे पास है ना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो उन्होंने कहा है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर में हमें बताइए कि इसका कितना आएगा, ओके। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारा बचता क्या है, सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास बचा क्या, बाकी फिर सब कुछ निकल जाएगा, हमने निकालना क्या, कोई बता सकता है, anybody from your side, कि अगर एक सिलेंडर में से मैं कॉनिकल कैविटी निकाल लूं तो मेरे पास क्या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना निकले, क्या बचेगा, इमेजिन कीजिए पानिया के अलावा, ओके विवान, यस विवान, यस विवान बेटा, सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ द सिलेंडर, बस बेटा जो कॉनिकल कैविटी निकाली इनर में, वो कॉनिकल भी तो है, कोन का भी तो कर्व्ड सरफेस आएगा, आप इमेजिन कीजिए तुम ये निकाल रहे हो, अंदर शेप तो कॉनिकल बन गई ना, बाहर से सिलेंड्रिकल है, बेस मेरे पास है विवान, तो बेटा कॉनिकल पार्ट भी तो आएगा ना, बात समझ आई सबको, ठीक है। तो क्या मेरा जो है टोटल सरफेस एरिया मेरा क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का बेस ऊपर वाला तो उड़ ही गया ना, बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का क्या होता है पाई आर एल, मैंने आर सेम ही ले लिया क्योंकि उन्होंने बोला वे सेम रेडियस सब कुछ दिया, चलो ये मेरा रिक्वायरमेंट हुआ, कोई माइनस नहीं होगा, वॉल्यूम की बात होती ना तो मैं माइनस करती, बात समझ आई सबको, और सारी वैल्यूज दी है, आर भी दिया है एच भी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, समझ आया बेटा सबको, कोई डाउट तो नहीं यहां पर किसी को भी, हाँ जी, नो रिस्पॉन्स, क्या हो गया, चलिए गुड, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज 9th, फिगर दी हुई आपको, उसने कहा अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर
जो है फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, उसने कहा है कि एक सिलेंडर है ठीक है ऐसे, फिर वही इसमें से हमने स्कूप आउट कर दिया, लीजिए ठीक है स्कूप आउट कर दिया मैंने, कुछ निकाल दिया हम इस स्फेरिकल फॉर्म में, तो उसने फिगर दे दी, उसने कहा हाइट ऑफ द सिलेंडर मेरे पास, हाइट ऑफ द सिलेंडर वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस रेडियस आर मुझे दे दिया 3.5 सेंटीमीटर है, फिर सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल फॉर्म क्या क्या आएगा, कोई बता सकेगा? सारे पार्टिसिपेट करो, मन्नत महक कि वही बस 2-3 स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे इट्स टू बैड बेटा। हाँ जी लक्ष्य टंडन अनम्यूट योरसेल्फ, लक्ष्य लक्ष्य टंडन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी दिव्यांश, दिव्यांश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी बताइए बेटा कैसे करेंगे, लक्ष्य बताइए हम सरफेस एरिया ना। हाँ जी बिल्कुल सरफेस एरिया निकालना है जो बना हमारे पास मैम, पहले ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद हेमिस्फीयर का निकालेंगे और ऐड कर देंगे दोनों हेमिस्फीयर का। बिल्कुल करेक्ट, जो है टू हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये सिलेंडर का और इसमें दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना तो ऊपर वाला बेस है ना नीचे वाला, स्कूप आउट हो गया है तो सिलेंडर का कुछ आना ही नहीं, तो सिलेंडर का मेरे पास 2πRh और उसका क्या होता है 2πR स्क्वायर, दोनों के R सेम है, एच मुझे पता है, वी आर एबल टू डू द क्वेश्चन। ओके बेटा जी क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं किसी का, ठीक है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लास्ट पीरियड ओके टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।